फोकस करिएगा, हम लोग चैप्टर कर रहे हैं आपका इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर सबसे पहले समझना जरूरी है कि इंडेक्स नंबर होता क्या है। इंडेक्स नंबर के जरिए चेंजेस को मापते हैं कि टू वेरिएबल ओवर टू डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में क्या चेंजेज हुआ है, इसको हम माप करते हैं किसके जरिए, इंडेक्स नंबर के जरिए। जैसे बुखार लग जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर कैसे मापते हैं भाई, थर्मामीटर। वायु का दबाव बढ़ जाता है तो कैसे माप करते हैं हम लोग, बैरोमीटर, वायु को। समझ पा रहे? वैसे ही कितना चेंजेज हुआ है दो डिफरेंट पीरियड में, उसको माप करने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, इंडेक्स नंबर। अब प्राइस का माप करेंगे तो प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी का माप करेंगे तो क्वांटिटी इंडेक्स। तो प्रश्न आता है कि मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर को बनाने के कितने मेथड्स है। तो पहला प्राइस इंडेक्स है, दूसरा क्वांटिटी इंडेक्स है, और तीसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कितना इंडेक्स अगर कमाई हो जाएगा तो वह व्यक्ति जीवित रहेगा। समझ रहे? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स सुनिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का। द ग्रुप इंडिसेस एंड द कोरस्पॉन्डिंग वेट दिया हुआ है फॉर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ द वर्किंग क्लास इन द इंडस्ट्रियल सिटी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हम लोग को निकालना है। ग्रुप दिया है, वेट दिया है, और ये दो इंडेक्स दिया है। एग्जाम में ना एक ही इंडेक्स रहेगा, हम यहाँ दो इंडेक्स दिखा दिए हैं कि अगर दो इंडेक्स रहेगा तो कैसे बनाएंगे। एग्जाम में आप लोगों को कितना इंडेक्स रहेगा, एक। खूब टफ करने का मन करेगा तो दो दे देगा, समझ रहे हैं? तो दो देगा तो उसी तरीका से निकालेंगे, और वन देगा तो उसी तरीका से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, समझ पा रहे हैं? किसका बात कर रहे भाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। बोले क्या बोले हैं, ध्यान से देखिए, बोर्ड में दिखा रहे हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ नीचे सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, आराम से सुनिएगा। पहले क्या दिया हुआ, ग्रुप दिया है तो ग्रुप का फॉर्मेट कर देंगे। ग्रुप, ग्रुप में क्या क्या दिया है, फूड दिया है, क्लोथिंग, फ्यूल, हाउस रेंट और मिसलिनियस, यही दिया हुआ है, लिख दिए। वेट दिया हुआ है, वेट लिख देते हैं, वेट को डब्लू कर देते हैं। वेट कितना भाई, 65, 10, 15, 10। अब इंडेक्स दो साल का दिया है ना, ग्रुप इंडेक्स, ग्रुप इंडेक्स किसका किसका दिया भाई, 19, एक आपका 1990 का दिया है ग्रुप इंडेक्स। इंडेक्स को हम आई कर देते हैं, इंडेक्स को आई कर देते हैं, पहला वाला को I1। खाली एक तो इंडेक्स रहता तो आई करके छोड़ देते, एक इंडेक्स रहता तो आई करके, यहाँ दो है इसलिए एक को I1, एक ठो को I2। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? दो साल का है इसीलिए I1 I2 कर रहे हैं, एक साल का रहता तो खाली I, बस बात कर दो। एक 1992 का है, कितना इसको I2 कर देते हैं, क्लियर? जो दिया उसको पहले कॉपी कर दिया जाए, कितना दिया, 120, 150, 130, 110, 120, इधर कितना भाई, 150, 190, 160, 130, 140। कोई तकलीफ? जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लीजिए। अब क्या करना है हम लोगों को करना है आपका W में I से मल्टीप्लाई करना है। W में I से क्या करना है, या बोल सकते हैं I में हमें W से मल्टीप्लाई करना है। अगर I में W से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, I1W, चलो I1 मल्टीप्लाई करिए तो 120 × 60 कितना हो रहा है, 7200। कैलकुलेटर चलाइए थोड़ा फटाफट, 150 × 5 कितना हो रहा है भाई, 750। 130 × 10 कितना हो रहा है, 1300। 110 × 15 कितना हो रहा है, 1650। ये सिग्मा क्या हुआ, I1W हुआ, सिग्मा नहीं हुआ। दूसरा I2W हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा ना, तो मल्टीप्लाई करिए इसमें, 150 × 60, 9000। फिर 950, हाँ 950। फिर 160 × 10, 1600। फिर क्या भाई, 130 × 15 कितना हो रहा है, 1300। और 140 × 10, 1600। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो आएगा ये सिग्मा I1W, और ये आएगा सिग्मा I2W। इसको जोड़ लेंगे तो आएगा सिग्मा W।
इसको ऐड करके बताइए कितना होगा। ये वाला 1 to 1 0 और ये 1 4 9 0 1 4 9 0 ये कितना हो रहा 25 10 35 35 चालीस 100 ना हो रहा भाई 100 हो गया। कोई तकलीफ है? अब क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या निकालना है हम लोग को? तो यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं, नीचे लगाइएगा आप लोग। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा या समेशन बोलते हैं, सिग्मा या समेशन मैंने जोड़ा हुआ वैल्यू, सिग्मा या समेशन मैंने जोड़ा हुआ वैल्यू। अब 1990 का हमें निकालना है, तो 1990 वाला डेटा ले लेंगे। 1990 का डेटा कितना है? 12,100 डिवाइड बाई 100। एक थोड़ा आता तो डायरेक्ट पुट कर देते, ये 1990 लिखने की दरकार नहीं था, लेकिन डबल है ना, तो एक निकलेगा 1990 का और एक निकलेगा 1992 का। समझ पा रहे क्या बोल रहे? कितना आ रहा वो 121। और ये 1992 का कितना आ रहा भाई? 14,900 डिवाइड बाई 100 कितना हो रहा? 149। कोई तकलीफ है? समझ गए हैं सभी लोग? कोई तकलीफ? अच्छा एक फुल आते तो क्या करते? खाली आई डब्ल्यू होता, सिग्मा आई डब्ल्यू, डब्ल्यू को जोड़ लेते, डिवाइड कर देते खत्म। क्लियर है? कॉपी करिए, एक तो देंगे तो आप लोग बनाइएगा कॉपी। सुनिएगा, ये क्वेश्चन लिख के रखे हैं आप लोगों के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अच्छा ये हेडिंग दे देंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, क्योंकि निकाल रहे हैं। अच्छा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना, ग्रुप दिया है, वेट दिया है, इंडेक्स दिया है, एक ही तो है। डब्ल्यू में आई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आई डब्ल्यू आ जाएगा, सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू आ जाएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आपका आ जाएगा। नीचे कुछ और पूछा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बाद, सबसे पहले आप लोग ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला तक बनाइए, उसके बाद हम बताएंगे क्या करना है। जल्दी बनाइए, फटाफट बनाइए। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है 284.622। इसमें एक लाइन और पूछा गया, देखिए नीचे पूछा गया, देख रहे हैं? हाथ को स्टॉप करिए, ओ बाबू हाथ को स्टॉप करो। हाँ सर, देखो ए मैन वाज गेटिंग 1500 इन 1980। एक व्यक्ति जो है 1980 में 1500 रुपया कमाता था, 1980 में 1500 कमाता था। व्हाट शुड बी हिज सैलरी इन 1990, मैंने 1980 में 1500 कमाता था तो 1990 में उसका महीना क्या होना चाहिए? टू द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इन 1980। मानो वो मेंटेन करना चाहता है 1980 में जैसे जीता था ना, वैसे 1990 में वो जीना चाहता है उसी स्टैंडर्ड के साथ, तो उसका इनकम कितना होना चाहिए? समझे क्या बोले कि नहीं समझे? नहीं समझ में आया? क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो व्यक्ति है ये 1980 में कितना कमाता था? 1500। तो 1990 में इसका कितना इनकम होना चाहिए उसी स्टैंडर्ड में जीने के लिए? तो 1980 का इंडेक्स तो नहीं पता है ना, तो मान लेते हैं बेस ईयर 100, लेट इंडेक्स ऑफ बेस ईयर, बेस ईयर बोल रहा 1980 ना, बेस ईयर 1980 इक्वल टू कितना? 100। मान लिए कि बेस ईयर का इंडेक्स कितना था? 100। तो देयरफॉर सैलरी इन 1990, माने जब इंडेक्स 100 था उस समय महीना मिलता था 1500, जब इंडेक्स 100 था तो महीना कितना मिलता था? 1980 बेस ईयर है तो बेस ईयर का तो 100 माने, यानी जब इंडेक्स 100 था, सुन रहे हैं, जब इंडेक्स 100 था तो महीना कितना मिलता था? 1500। इस हिसाब से अभी इंडेक्स हो गया 284.622, तो इस हिसाब से उसको महीना कितना मिलेगा बताइए कितना हो रहा? मैंने 4,269 रुपया और उसको चाहिए, समझे? ये कब निकलेगा महीना? पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स समझा है ना कि ग्रुप वेट इंडेक्स आई और डब्ल्यू मल्टीप्लाई कर लीजिए, डब्ल्यू को जोड़ लीजिए, आई डब्ल्यू को जोड़ लीजिए, सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इतना, फिर ये लगेगा। क्लियर? कभी कभी बोलता है ना
कि बताओ 1990 में 1980 का अपेक्षा कितना एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा. हाउ मच एक्स्ट्रा अर्निंग डू इन 1990, 1990 में एक्स्ट्रा और कितना कमाना पड़ेगा. तो 1980 में कितना कमाते थे भाई, 1500, और 1990 में कितना कमाना पड़ रहा, 4269. तो और कितना कमाना पड़ेगा, घटा देंगे, घटाएंगे तो पता चल जाएगा. माने एक्स्ट्रा अर्निंग उसे करना होगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अर्निंग इन 1990 है ना, 4269 रुपया कमा रहा है, पहले था 1500. माने एक्स्ट्रा कितना कमाना पड़ेगा, कितना, 2769. इतना रुपया और कमाएगा तो मेंटेन हो जाएगा. माने 1500 तो कमा ही रहा था, इतना और एक्स्ट्रा कमाएगा तो मेंटेन हो जाएगा. कभी कभी बोलते हैं एक्स्ट्रा अर्निंग निकालो, तो एक्स्ट्रा अर्निंग ऐसे निकालो. क्लियर है क्या, समझ गए हैं सभी लोग, कॉपी कर लीजिए. तो